एवरी वन जिस बेरोनिका आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन फिन हब सो बेसिकली इट इज़ अबाउट सस्टेनेबल मरीन टूरिज्म डिटेल में इसके बारे में जानेंगे यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं बाकी ये मेरा टेलीग्राम चैनल है uh, यहाँ पे आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं फॉर द पी डी एफ एंड लेक्चर अपडेट्स नाउ सी वॉट हैज़ एपन तो यहाँ पर देखिए हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबल मरीन टूरिज़म तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है सस्टेनेबिलिटी की बात कब आती है कि आज के जो हैं अगर हम उनको यूज़ कर रहे हैं तो एक्सप्लॉइट ना करें इस तरीके से यूज़ करें कि आज की जेनरेशन भी उसका फ़ायदा ले ले और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्स जो है वो यूज़ेबल रहे फ्यूचर जनरेशन कल को आके हमको ये ना कहे कि हमारे जो इंसेस्टर्स थे या पुरानी जनरेशन थे कितने बेकार थे कि अर्थ का ये हाल करके गए हैं अब मरीन टूरिज्म एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मरीन टूरिज्म एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट इस तरह की एक्टिविटीज बीचेस पे जाके करते हैं जिससे कई लोगों का रोजगार चलता है लाइवलीहुड चलता है तो वी वॉन्ट टू डील विथ सस्टेनेबल मरीन टूरिज्म कि आपकी इकोनमी की ग्रोथ भी होती रहे और आपके इन्वायरमेंट को भी बायोडाइवर्सिटी को भी नुकसान ना हो अब यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम यू एन ई पी दिस इज यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम और यूके बेस्ड चैरिटी रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन तो दो ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व है यू एन यूके बेस्ड चैरिटी रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन भी जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया क्या ग्रीन फिंस हब अब ग्रीन फिंस हब अगर फिलिम्स में सवाल आए तो आपको मालूम होना चाहिए किससे रिलेटेड है ग्लोबल डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनके अकॉर्डिंग कि एक ये डिजिटल प्लेटफॉर्म ही रहेगा जहां पे सस्टेनेबल मैर मारी, टूरिज्म को एक बूस्ट मिलेगा उसका प्रमोशन होगा अब यहाँ पे किन लोगों को फायदा है जैसे कि जो डाइविंग करवाते हैं स्नॉर्कलिंग करवाते हैं जो ऑपरेटर्स अगर आप बीच पे इस तरह की टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे तो आपको दिखेगा आई गेट ऑप्शन देयर फॉर डाइविंग एंड स्नॉर्कलिंग श्कौर, तो उन ऑपरेटर्स को वर्ल्ड वाइल्ड इससे फ़ायदा होगा वो कॉस्ट एफिशेंट चेंजेस अपने मेथड्स में अपनी चीज़ों में ला पाएंगे डेली प्रैक्टिस में ट्राइड एंड टेस्टेड सोल्यूशंस को यहाँ पे यूज किया जाएगा इस तरीके से यू एन ई पी ने ग्रीन फिन हब को डिस्क्राइब किया है डाउन टू अर्थ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैगजीन क्योंकि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए मैं आपको बोलती हूँ वन स्टॉप सोल्यूशन आपके मेन्स के लिए ये है अगर आप ये मैगजीन अच्छे से पढ़ रहे हैं इट विल एक्ट एज अ फॉर्डर फॉर योर मेन्स इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी अब यू एन ई पी ने लॉन्च किया है एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म टू एनकरेज सस्टेनेबल मरीन टूरिज्म को एनकरेज करने के लिए इन्होंने लॉन्च किया तो यहाँ पे डाउन टू अर्थ ने इसको बहुत अच्छे से जो है कवर किया है अब देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है सिग्निफिकेंस पहला पॉइंट ही यही है सस्टेनेबल मरीन टूरिज्म ये मैंने आपको बता दिया कि इसको बूस्ट मिलेगा इससे डिजिटल प्लेटफॉर्म से अब ये इंडस्ट्री बैक्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म से हमको क्या एक्सपेक्टेशन है कि स्केल अप होगा देखिए कोई भी एक्टिविटी कई बार कुछ जगहों पे रिस्ट्रिक्टेड रहती है कुछ बीचेस के लोगों को ऑपरेटर्स को वहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा होता है वो उसको यूज़ करते हैं दूसरी जगह भी आपको सेम बीच मिलेगा बट हो सकता है कि वहाँ पर ज़्यादा ऑपरेटर्स ना हो तो यहाँ पर स्केल अप करने की बात की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हो अराउंड सेवन ऑपरेटर्स को जो कि फोर्टीन कंट्रीज़ में हैं अभी फ़िलहाल ये नंबर हमारे पास है सात सौ ऑपरेटर हैं अराउंड फोर्टीन कंट्रीज़ में आज और टू अ पोटेंशियल पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है कि थर्टी थाउजेंड तक ये नंबर जा सकता है तो अल्टीमेटली कोरल प्रोटेक्शन भी इंक्रीज़ होगी कंजर्वेशन भी इंक्रीज़ होगी इससे रिलेटेड मतलब मरीन टूरिज्म को तो बूस्ट मिलेगा ही मिलेगा आपके ऑपरेटर्स इंक्रीज होंगे लेकिन उनको इस तरह की प्रैक्टिस सिखाई जाएंगी कि उससे मरीन बायोडाइवर्सिटी को नुकसान नहीं होगा रीफ प्रोटेक्शन होगा कोरल रीफ्स क्योंकि हमने देखा दिया डाइंग uh, हमने ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ भी पढ़ा नाउ सी द ग्रीन फिन हब जो है ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन की ताकि इंडस्ट्री की डिमांड भी पूरी हो सके लेकिन इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके से और इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके से अंडर वाटर स्पोर्ट भी आपकी चलती रहे तो इसका ये मेन सिग्निफिकेंस है अब इनका मेन एम क्या है अब ये इनिशिएटिव है मेनली uh, इसको लाया गया कोरल रीफ्स की बात यहां पे की जा रही है तो आप लोग जानते हैं कोरल कोरल्स तो बेसिकली कोरल्स आर ब्यूटिफुली कलर्ड पॉलिप्स जो कि एक एलगी होती है जू जैनथला उसके साथ म्यूचुअलिज्म में रहते हैं तो ब्यूटीफुल कलर ऑफ द कोरल्स इज बिकॉज ऑफ दिस एलगी जू जैंथला जू जेंथला कोरल्स को कलर देती है खाना प्रोवाइड करती है कोरल्स उसको इन रिटर्न शेल्टर देते हैं तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सिस्टम बनता है हमारे जो लक्ष्यद्वीप आइलैंड्स हैं इंडिया में देर कोरल आइलैंड मिलियंस ऑफ यर्स लग जाते हैं जब बहुत सारे पॉलिप्स इकट्ठे होते हैं मरते हैं उनका स्केल्टन वहीं पड़ा रहता है तो एक स्ट्रॉन्ग रीफ बैरियर बन जाता है तो इसका मेन इनिशिएटिव यही है कि हमने कोरल रीफ्स को प्रोटेक्ट करना है कंजर्व करना है इन्वायरमेंट फ्रेंडली गाइडलाइंस के साथ ताकि सस्टेन जो लोग डाइविंग करने आ रहे हैं स्नॉर्कलिंग करने आ रहे हैं वो सस्टेनेबल तरीके से करें इनको उसका नुकसान ना हो तो इंटरनेशनली रिकोगनाइज इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो डाइविंग और स्नॉर्कलिंग के लिए हर जगह सेम होंगे इस इंडस्ट्री के लिए असेसमेंट सिस्टम भी होगा उसी ऑपरेटर उसी को बनाया जाएगा या वही ऑपरेटर्स वहाँ पे ऑपरेट करेंगे जो उस स्टैंडर्ड से मैच करेंगे अब ये फाउंडेशन रिसेंटली इन्होंने सर्वे किया ट्वेंटी फोर हंड्रेड डाइव टूरिस्ट और प्रोफेशनल्स का इनके साथ सर्वे किया जिससे उनको पता चला कि एट्टी थ्री परसेंट ने कहा कि एक्चुअली वो चाहते हैं कि सस्टेनेबल एजुकेशन उनको मिले उनके हॉलीडेज के लिए ताकि वो बायोडावर्सिटी को नुकसान ना पहुंचाएं और 75 परसेंट ने कहा कि वो इसके लिए ज्यादा पे करने के लिए भी तैयार हैं और 85 परसेंट लोगों ने कहा दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी इफ एन ऑपरेटर इज सस्टेनेबल कि वो जाते तो हैं अपने हॉलीडेज पे डाइविंग स्नॉर्कलिंग करने के लिए बट दे डोंट नो कि जो ऑपरेटर उनकी हेल्प कर रहा है ये सब करने में वो सस्टेनेबल है या नहीं है सो दैट इज़ वाई दे हैव लॉन्च दिस ग्रीन फिन हब सो यू कैन सी दिस यू की साइड में कोरल रीफ प्रोटेक्शन टू ग्रो विद ग्रीन हब कि रीफ प्रोटेक्शन ग्रीन फिन हब्स के साथ होगी तो ये एक शिफ्ट है मरीन टूरिज्म सेक्टर की सस्टेनेबिलिटी के लिए दो ग्रीन फिन फिंस मेंबरशिप आपको यहाँ पे मिलेंगी डिजिटल मेंबरशिप है जो अवेलेबल होगी डाइव स्नॉकलिंग के लिए लाइव बोर्ड ऑपरेशंस ग्लोबली इस मेंबरशिप को पूरे साल जो ऑपरेटर्स हैं इन्वायरमेंटल स्कोर्स उनको मिलते रहेंगे उनकी ऑनलाइन सेल्फ इवाल्यूएशन पे जिस तरह से वो पास करते जाएंगे उनका स्कोर इंक्रीज़ होता जाएगा और दूसरा है ग्रीन फिन सर्टिफाइड मेंबर्स Uh, इनको भी एसेस किया जाएगा एनुअली और ट्रेंड इन पर्सन तो इन पर्सन ट्रेनिंग दी जाएगी सिर्फ डिजिटली ही नहीं इन पर्सन भी इन ऑपरेटर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी सो एज़ अ पार्ट ऑफ ग्रीन फिन हब देयर विल नाउ बी मिनिमम थ्रेश होल्ड फॉर बिकमिंग अ ग्रीन फिन सर्टिफाइड मेंबर तो कम से कम थ्रेश होल्ड रखा जाएगा ताकि आप ग्रीन फिन मेंबर बन सकें रैंकिंग दी जाएगी ब्रॉन्स सिल्वर गोल्ड जैसा भी परफॉर्मेंस रहेगा एडिशनल फीचर्स uh, भी हैं इसके ग्रीन फिन कॉम्युनिटी फोरम है ऑपरेटर्स के लिए जितने भी ऑपरेटर्स वर्ल्ड में ऑपरेट करते हैं कि इंडस्ट्री नीड्स को समझें इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को डिस्कस करें लेसन्स आइडियाज़ उनको दिए जाएँ लाइक माइंडेड क्योंकि एक एक जैसे लोगों का कॉम्यूनिटी होगा तो एक दूसरे से हेल्प मिलेगी सोलूशन लाइब्रेरी भी मिलेगी जहाँ पर हंड्रेड प्रूवन इन्वायरमेंटल सोल्यूशंस होंगे जो डेली ऑपरेशनल चैलेंजेस आते हैं उनको कैसे ओवरकम करना है उसके बारे में प्लान एक्शन प्लान ट्रैकर होगा एनुअल सस्टेनेबिलिटी एक्शन प्लान दिया जाएगा गोल सेट होंगे जैसे जैसे आप उसको क्रॉस करते जाएंगे टारगेट पूरा करते जाएंगे तो आपका प्रोग्रेस भी ओवर टाइम ट्रैक होता जाएगा तो अगर सवाल आता है जैसे ये ग्रीन फिन है सस्टेनेबल कोस्टल मरीन टूरिज्म पे इस बार मीनस में पूछा गया कोस्टल इरोजन के बारे में तो ये इकोसिस्टम पे सवाल आ रहे हैं तो सस्टेनेबल कोस्टल मरीन टूरिज्म पे भी सवाल आने के बहुत चांसेस हैं तो इसका क्या मतलब है सस्टेनेबल टूरिज्म हो गया इस तरह की प्रैक्टिस की टूरिज्म भी इम्प्रूव हो और इन्वायरमेंट मरीन इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना हो ताकि जो टूरिज्म हो वो ग्रीनर टूरिज्म हो इन्वायरमेंट फ्रेंडली टूरिज्म हो कोस्टल मरीन टूरिज्म एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट ऑफ टोटल ग्लोबल टूरिज्म में आपका मरीन टूरिज्म आता है कोस्टल मरीन टूरिज्म आता है एक लार्जेस्ट इकोनॉमिक सेक्टर है ये उन देशों के लिए जो आइलैंड कंट्रीज हैं आपकी स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं काफ़ी कोस्टल स्टेट्स हैं आपकी और ग्लोबल ग्रोथ रेट पोटेंशियल भी बहुत है इसमें ग्रो करने का सो यू कैन जस्ट सी कि टूरिज्म से कितने लोग इम्प्लॉय जिनका घर चलता है मैंग्रोव से रिक्रिएशनल फिशिंग सिंगल शार कोरल रीफ्स सो काफ़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ ये हैं कोरल रीफ्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ सो अगेन यू कैन रीड हियर कि इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं Uh, इनका कोई स्पाइन नहीं होता लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं प्लानट पे uh, एक कोरल में पॉलिप होता है काफ़ी सारे पॉलिप्स मिल के कोरल्स बनाते हैं कॉलोनी बनाते हैं एक अपनी कॉपीज क्रिएट करते हैं यू हैव हार्ड कोरल्स जिनका हार्ड स्केल्टन कैल्शियम से बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट सी वाटर से एक्सट्रैक्ट करते हैं सॉफ्ट कोरल्स हार्ड कोरल्स या उनके एंसेस्टर कोरल्स के स्केल्टन पर बिल्डअप करते रहते हैं उनको अपने साथ उनके साथ अटैच होते जाते हैं सो दिस इज अबाउट कोरल्स टू यू सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल कोस्टल मरीन टूरिज्म जिसमें लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व किया जाए और आप फिर मॉनिटर और रेगुलेट करें कि कोई नुकसान ना हो ये सब आपके लिए है अब यू एन ई पी लेट्स क्रैक यूपीएससी में हम ऑलरेडी टेकिंग टू सेशंस एक तो मैंने वहाँ पे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की बेसिक्स एक प्ले बनाई है और एक है इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कन्वेंशन तो वहाँ पर मैंने यू एन ई पी के बारे में डिटेल में पढ़ा ये एक लीडिंग ग्लोबल वॉइस है इन्वायरमेंट को लेकर एक मॉडल आप कह सकते हैं अथॉरिटी है इसकी सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट पे डिसीजंस यूएनईपी लेता है पार्टनरशिप करता है इंस्पायर इन्फॉर्म अलग अलग देशों को लोगों को इम्प्रूव इंप्रू करने के लिए बोलता है अपनी लाइफ ताकि जिससे हम फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्स को इस तरह से यूज़ करें इन्वायरमेंट के कि उनके लिए कोई कॉम्प्रो उनको कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े सो दिस इज़ यू फॉर यू

एनरोल कीजिए टेस्ट सीरीज में सब्सक्राइब कर सकते हैं आइकॉनिक में प्लस से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलते हैं यू की टाइम मेंटोर जो लाइव मेंटोरशिप देता है आपको इन केस यू ऑप्टन ऑप्शन फॉर ई एम आई आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा टेस्ट सीरीज ऑप्शन के लिए भी यहाँ पे शुरू की गई है सो यू कैन सब्सक्राइब फॉर दैट डाउट दट बात ट्वेंटी नाइन तक चल रहा है सो गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड सो दिस इज माई कोड ब्यूरो यू बी एस सी अगर आप मेरी पर्सनल मेंटोरशिप चाहते हैं तो so आप कोर्स परचेज करने के लिए मेरा कोड यूज़ कीजिए और लेट मी नो ऑन टेलीग्राम सो दैट आई कैन हेल्प यू थ्रू आउट योर प्रिपरेशन This is my telegram where you can connect with me. Thank you so much.